अनुभव किन किन नामों पर से अगर देखा जाए निगाहें टिकी थी, अब जो संशय के बादल थे वो छटे हैं और चीजें क्लियर हुई हैं। देखिए बिल्कुल, इसमें पहले दूसरे तीसरे चरण के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम हैं और ज्यादातर लोगों को समाजवादी पार्टी ने सिंबल पहले अलॉट कर दिया है। देखिए एक लिस्ट ही जारी हुई थी, आपको याद होगा, जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की हुई थी, 30 और 10 कुल 40 उम्मीदवारों की वो लिस्ट जारी हुई थी। उसके बाद लिस्ट नहीं जारी हो रही थी, सिंबल अलॉट हो जा रहे थे। हालांकि खुद हमने प्रदेश अध्यक्ष से इस मामले में पूछा था कि आखिर कब लिस्ट जारी होगी, तो उन्होंने कहा था कि हम एक कंपाइल लिस्ट जारी करेंगे और आज समाजवादी पार्टी ने उसे अपने सोशल मीडिया पर उस कंपाइल लिस्ट को जारी कर दिया है। कुल 159 नाम हमें इस लिस्ट में दिख रहे हैं। देखिए शुरुआत तो अखिलेश यादव के नाम से ही है क्योंकि मैनपुरी की करल सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो सबसे पहला नाम हमें अखिलेश यादव का दिख रहा है। कुछ चीज़ें देखिए, जैसे धर्म सिंह सैनी को नकुर से कहा क्योंकि वो अभी हाल ही में छोड़ के आए हैं, बीजेपी मंत्री थे तो उनको उसी सीट पर दे दिया, ये पहले से सबको पता था। ज़्यादातर नाम वही हैं जो हमने एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को दिखाए कि देखिए इनको यहाँ से टिकट दिया, इनको यहाँ से टिकट दिया। जैसे पंकज मलिक का आप नाम देखिए, वो आपको दिखाई देगा चरथावल से, वो पहले से ही घोषित है कि पंकज मलिक वहाँ से लड़ रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ नाम जरूर हैं। आप जैसे एक नाम आप देखिए रायबरेली से, ऊंचाहार से, वहां कहा जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं, उनका जो बेटा है अशोक उत्कृष्ट मौर्य वो 2017 में बीजेपी से लड़ा था और उसने मनोज पांडे को तब टक्कर दी थी, तो हो सकता है कि मनोज पांडे की जगह स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को टिकट दिया जाए। पर आज जब लिस्ट आई है तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि मनोज पांडे को ही टिकट दिया है ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी ने। इसके अलावा अगर हम कुछ और नाम आपको दिखाएं तो जसवंत नगर, देखिए शिवपाल यादव उस दिन सिंबल लेकर गए थे और आज लिस्ट में उनका नाम भी आ गया है। पर यह जरूर है कि बीजेपी लगातार जिस चीज को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही थी कि इन्होंने एक लिस्ट जारी की, उसके बाद कोई लिस्ट नहीं जारी कर रहे हैं, अपराधियों के नाम है, गुंडों को टिकट दे रहे हैं, इसलिए ये लिस्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे, तो आज उसका एक तरीके से जवाब दे दिया है अपने सोशल मीडिया पर और 159 नामों को घोषित कर दिया है अखिलेश यादव ने। और ये पहले दूसरे तीसरे चरण के हमें लोग दिख रहे हैं इसमें। हालांकि हमें इंतजार था कि लखनऊ से किसको लड़ाएंगे, लखनऊ में कुल 9 सीटें हैं, पर हमें अभी लखनऊ के नाम नहीं दिख रहे हैं इस लिस्ट में। आपको याद होगा जब बीजेपी की लिस्ट आई तब भी लखनऊ का नाम गायब था, तीसरे चौथे चरण के जो उम्मीदवार थे उनकी जब घोषणा की, और कुछ ऐसा ही हमें समाजवादी पार्टी की भी इस लिस्ट में दिख रहा है कि 159 नाम अगर घोषित हुए हैं और उसमें आप देखिए जहां चौथे चरण के भी चुनाव होने उनके भी कुछ कैंडिडेट के नाम है पर लखनऊ के उम्मीदवारों के नाम नहीं, तो शायद लखनऊ सबके लिए बहुत कठिन है कि किसको कहां से लड़ाया जाए, इसीलिए लखनऊ के उम्मीदवारों के नाम नहीं दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और नाम अगर बताएं, जिस तरीके से आप देखिए जो हमें लिस्ट में दिखाई दे रहा है, अब विशंबर प्रसाद निषाद इनको भी टिकट दिया है पार्टी ने अयाज शाह से, तो तमाम सारे लोग हैं। इसी तरीके से आप देखिए अमिताभ वाजपेयी, अभी दो दिन पहले वो मिलकर गए हैं सिंबल लेकर गए, हाजी इरफान सोलंकी वो भी सिंबल लेके गए, उनका भी नाम है, तमाम सारे लोगों को दिया है। और कुछ नाम हमें ऐसे भी दिख रहे हैं जो बीजेपी छोड़ के आए हैं तो उनको अच्छा। भी टिकट दिया, यानी एडजस्टमेंट भी दिख रहा है और जो विधायक हैं उनको रिटेन भी किया है अखिलेश यादव ने। जाति समीकरण तो सादा ही है, वो तो सभी पार्टियां करती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप भले ही कितना कहते रहिए कि हम विकास के झंडे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब चुनाव आता है तो सारी चीज़ें घूम फिर के जाति के आसपास ही चली जाती है, जाति समीकरणों के आधार पर ही होता है, और इसीलिए हमें इस पूरी लिस्ट में वो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कैसे जाति समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है।